नमस्कार। यदि आप हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी आजमा रहे हैं या हाइड्रोपोनिक्स खेती व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली में कौन से और कैसे पोषक तत्वों का उपयोग किया जाना चाहिए। चूँकि हाइड्रोपोनिक्स खेती सोइललेस कंडीशन में यानी मिट्टी के बिना पानी में होती है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारी फसल है उसको उसके हिसाब से पर्याप्त मात्रा में सारे पोषक तत्व मिलने चाहिए। हालांकि उसके अलावा हम इस वीडियो में हाइड्रोपोनिक्स में जनरली यानी कि आम तौर पर जो न्यूट्रिशन हम इस्तेमाल करेंगे, जो बेसिक न्यूट्रिशन हम इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे, तो अंत तक बने रहें। तो पोषक तत्व दो प्रकार के हैं। एक तो यहाँ बुनियादी पोषक तत्व होगा जो कि NPK रहेगा, और दूसरा जिसमें मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्व रहेंगे। मैक्रो पोषक तत्वों में से आमतौर पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये पौधों को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। और माइक्रो पोषक तत्व में आयरन और जिंक का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कम मात्रा में पौधों को ज़रूरत होती है। तो कुल मिलाकर हमें आमतौर पर एक तो NPK और उसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन, जिंक की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इन सारे पोषक तत्वों के फ़ायदे और उनकी कमी से होने वाले नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। तो ये बात तो हो गई कि आपको कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि ये पोषक तत्व कैसे हमें उपलब्ध होते हैं। तो अगर आप बाज़ार में इन पोषक तत्वों के बारे में पूछने जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा कि ये NPK जैसे पोषक तत्व या तो ठोस क्रिस्टल के रूप में, या फिर पाउडर के रूप में, या फिर जो पहले से तैयार सॉल्यूशन है उसके रूप में पाया जाएगा। अगर आप पाउडर और क्रिस्टल के तौर पर पोषक तत्व लेते हैं तो आपका उसका सॉल्यूशन आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, जिसमें आपके समय की काफ़ी ज़्यादा खपत होगी। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप पूर्व मिश्रित पोषक तत्व यानी पहले से तैयार पूर्व मिश्रित पोषक तत्वों को ही लें। पूर्व मिश्रित पोषक तत्व सॉल्यूशन को उपयोग करने से पहले पानी में पतला करना आवश्यक होता है। ये पूर्व निर्मित पोषक तत्व 2, 3, 4 या इससे भी अधिक भागों में आते हैं, इसलिए उत्पादकों द्वारा इसके अनुपात को बदला जा सकता है मन के अनुसार और उसके पोषक तत्व के अनुसार जो हमारे फसल को चाहिए। पोषक तत्व निमिश्रण का उपयोग हाइड्रोपोनिक प्रणाली के लिए किया जाता है और इसे संपूर्ण पादप भोजन माना जाता है। आप इस पूर्व मिश्रित सॉल्यूशन को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये आपको 500 से 1000 रुपये प्रति लीटर तक पड़ेगा। तो ये पूरी जानकारी रही कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी में कौन से और कैसे पोषक तत्व हम इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और किसान भाइयों के साथ शेयर करें।